हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर क्लास। टुडेज क्लास फॉर क्लास सेवन्थ स्टूडेंट सब्जेक्ट मैथ। पिछली क्लास में हम चैप्टर एक्सरसाइज वन के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 तक कर चुके थे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज वन ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्नब हैड 20। देखो, ये हम जो कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है इसको फॉलो करना है। ओके, तो देखो, अर्नब के पास कितने, अर्नब हैड 20 विथ हिम, यानी अर्नब के पास क्वेश्चन नंबर 5, अर्नब के पास कितने थे, 20 रुपए थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो 20 है अर्नब के पास। ओके, अब उसके बाद में कह रहा है ही स्पेंट 8 ऑन मंडे। मंडे को उसने 8 क्या कर दी, स्पेंट मतलब खर्च कर दिए। अब जो पैसे खर्च होंगे वो तो क्या होंगे, माइनस, और जो गॉड टेन मिलेंगे वो होंगे प्लस। तो उसने 20 थे, 20 में से 8 क्या है, मंडे को खर्च कर दिए। एंड गॉड 5 एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूजडे, फिर ट्यूजडे को 5 रुपये पॉकेट मनी और आ गया इसमें प्लस 5, है ना। फिर नेक्स्ट है 7 रुपये लोन टू हर फ्रेंड, और उसने 7 रुपये जो है अपने फ्रेंड को लोन के रूप में दे दिया। लोन का मतलब कर्जा दे दिया, तो वो उधार देना होगा एक तरह से, तो देना है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस होगी मनी, क्या होगी, माइनस होगी, तो -7। ओके, उसके बाद है एट ए आइसक्रीम बॉट 10 रुपीज, यानी उसने 10 रुपये की आइसक्रीम और खा ली, तो 10 रुपये की आइसक्रीम खाएगा तो 10 रुपये देगा, यानी कि माइनस के 10, ठीक है। ओके, अब आगे है रिसीव्ड ए रिवार्ड ऑफ 5, और उसे 5 रुपये और मिल गए, ठीक है। और उसके बाद में 5 रुपये जो मिले थे उसके किसने दिए थे, ग्रैंडफादर ने उसको दिए थे। एंड फिर देखो, हाउ मच डज द हैव ही संडे, और संडे को उसके पास कितने थे, इफ हिज फ्रेंड प्रीपे द लोन ऑफ द सैटरडे, उसके जो दोस्त ने उसने अपने दोस्त को 5 रुपये का लोन, सॉरी 7 रुपये का जो लोन दिया था वो उन्होंने वापस दे दिया, यानी प्लस 7। अब उसके पास कितने रुपये बचे, तो हम इस कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करो पहले तो 20, ठीक है, 5 25 हो गए, और उसके बाद में ये दोनों नेगेटिव है, 25 और 5 कितने हो गए, 30 और 37, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए 37। अब नेगेटिव नेगेटिव ऐड करो, 8 और 7 15 और 10 25, ये लो भाई कितना है, 12। तो ये आपके आंसर आ गए, यानी कि उस पर कितने रुपये थे, 12 रुपीज जो है अभी भी उस पर बचे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सबमरीन लेफ्ट द सरफेस ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ द -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो, माइनस अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, यानी जो सबमरीन है, सबमरीन जानते हो ना, जो पानी में हमेशा रहती है, तो क्या है वो -2 मीटर अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, इसलिए तो माइनस आया साइन। तो यानी कि अब कितने सेकंड में जाती है, -2 मीटर पर सेकंड, यानी कि देखो 1 सेकंड में जाती है -2 मीटर, है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि जो वो माइनस जो 60 मीटर नीचे, -60 मीटर नीचे कितने सेकंड में जाएगी, ठीक है, तो सेकंड पूछा है हमसे। तो ये फिर ऐसे कर लूँ कि -2 मीटर जाती है 1 सेकंड में, ठीक है, तो -60 मीटर कितने में जाएगी, ध्यान देना, ये 2 है इसका हाफ 1, ये 60 है इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30, यानी 30 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, जस्ट हमें फोकस करना है जस्ट हाफ एक तरह से, ठीक है। अब जैसे -60 का हाफ तो -30 होता है, बट हमने साइन नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ऐसे एक तरह से 2 मीटर, ठीक है,
दो मीटर जाती है 1 सेकंड में और 60 मीटर जाएगी 30 सेकंड में। माइनस है तो माइनस कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे माइनस, ठीक है ना, पर जो माइनस साइन वो क्या है, डाउन पार्ट को शो कर रहा है, यानी कि संबंधी नीचे जाने से लिए ऊपर जाते तो प्लस होता ना, इसलिए वो डाउन पार्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो द डीप फ्रीजर ऑफ स्वीट शो, यानी कि मिठाई की दुकान पर जो डीप फ्रीजर है, शुड बी सेट एट -12 डिग्री सेल्सियस, इट इज सेट एट 18 बाय मिस्टेक। यानी कि जो डीप फ्रीज है उसको 12 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना था, सेट करना था, कितने पे, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो हाँ टेम्परेचर कितना था, 12 डिग्री सेल्सियस पर उसको सेट करना था। ठीक है, माइनस में 12 डिग्री पे, लेकिन गलती से वो माइनस के 18 पे क्या हो गया, सेट हो गया, तो उनके बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है, बाय मिस्टेक कितना हो गया, माइनस 18 हो गया। ठीक है, तो इनमें बीच में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस डालना, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 18 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये कितना, माइनस 12। ओके, तो कितना आएगा, माइनस के 18 और प्लस के 12 इक्वल टू माइनस के 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिस्टेक कितनी होगी, माइनस 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की होगी बस। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आएगा सी, इसमें क्या आंसर आएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाला एक हाइकर इज डिसेंडिंग 150 मीटर एवरी 8 मिनट। ठीक है, एवरी 8 मिनट यानी कि हर सेकंड में, देखो 8 सेकंड में, सॉरी मिनट, 8 मिनट में 152 क्या करता है, वो मीटर जो है वो क्या होता है, हाइकर चेंज डायरेक्शन द हाफ डिसेंडिंग, मतलब नीचे गिरता है, मतलब एक से नीचे फिसलता है। तो देखो 1 मिनट का निकाल लो, 1 मिनट में कितना फिसलेगा, तो 152 इसमें डिवाइड करेंगे 8 का, ठीक है, 90 मीटर एक सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में कितना, 90 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि हाफ आवर में, यानी कि 30 मिनट में, हाफ आवर में यानी 30 मिनट में वो कितना नीचे आ जाएगा, तो 19 इंटू क्या कर देंगे 30। ठीक है, ये लो, तो 57। ठीक है ना, नीचे आना है तो ध्यान देना, नीचे आने पर हम क्या नेगेटिव शो करेंगे, इसलिए ये नीचे। ठीक है, यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर लिख देंगे नोट माइनस साइन, सो सो द डाउनवर्ड। ठीक है, यानी कि तो नीचे आ रहा है इसलिए माइनस साइन यहाँ पर ये शो हो रहा है, और ऐसे वो संबंधित वाला क्वेश्चन था उसमें माइनस साइन ये शो करता है। ठीक है, तो यह नेक्स्ट में आ जाएगा आंसर आपका सी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, लास्ट को देख लो, इन द टेस्ट प्लस 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। रोहित आंसर था क्वेश्चन और क्वेश्चंस आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर 68 मार्क्स। ठीक है, 25 ऑफ रोहित आंसर आर बी करेक्ट। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट वर इनकरेक्ट। ठीक है, 25 देखो ध्यान देना, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स है रोहित के 68। ठीक है, ऑप्शन 25 जो क्वेश्चन थे उसने करेक्ट किए थे। ठीक है, तो एक करेक्ट के कितने मिलते हैं, करेक्ट मिलते हैं 25 करेक्ट थे उसके, एक बार देखो 25 होते हैं आंसर को करेक्ट। ठीक है, और हाउ मेनी द क्वेश्चन पे अटेम्प्ट वर इनकरेक्ट, तो 25 करेक्ट है, तो एक करेक्ट क्वेश्चन का हमें मिलता है 4 मार्क्स, तो 25 कितने हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स हो गए ना, तो 100 मार्क्स आने चाहिए लेकिन उसके 60 आए हैं, तो 100 में से 60 माइनस कर दो। ठीक है, इन करेक्ट क्वेश्चन निकालेंगे हम, इन करेक्ट। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 32। ठीक है, अब ध्यान देना 32 आ गए आंसर, लेकिन आपको पता है बिकॉज
माइनस टू डिडक्ट या फिर माइनस टू कट, ठीक है। फोर इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन तो क्या करेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि हमारे क्वेश्चन कितने आएंगे 63। यानी उसे 32 मार्क्स कट गए ना, 32 मार्क्स कटने का मतलब है 16 क्वेश्चन रॉन्ग होना, क्योंकि एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 2 मार्क्स कटते हैं, तो 32 मार्क्स उसके कट हो गए, इट मीन्स 16 उसके क्वेश्चन क्या थे, रॉन्ग थे, ठीक है। तो ये आपका जो यूनिट था फर्स्ट आज कम्प्लीट हो चुका है और आपको इसका पीडीएफ मिल चुका है। सो ठीक है, सारे बच्चे जो हैं यूनिट फर्स्ट का जो वर्क आपका कंप्लीट करें अच्छे से, है ना। और जो क्वेश्चंस आपको मैंने नहीं करवाए हैं उन्हें आप शेयर करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि आप पीडीएफ से कॉपी करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन, ओके ठीक है। सो थैंक यू सो मच।